अंकल ऐसे नहीं लेने आने। नहीं नहीं, नहीं ये आप लोग मेहनत कर रहे हो ना। नहीं पर अंकल, तो हम लोग दिल्ली से डलहौजी के रास्ते में थे एंड रास्ते में हमें बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे कुछ बेचते हुए मिले, तो हमने सोचा क्यों ना उनका दिन बनाया जाए। क्या है? नाशपाती। नाशपाती 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 फ्रूट है सर। है नाशपाती फ्रूट है, मीठा फ्रूट है। कितने का है? 20 का। 20 का? कितने? ये कितने की है? सॉरी ये 40 का है। पूरी पेटी? जी 20 पीस है। 40 एक पीस कह रहा है? पूरी पेटी मतलब 20 है ना, इसमें 40 पीस। 20 पीस है तो टोटल 40 रुपए के है। अंकल आम ले लो। अच्छा गुड़िया के पास मैंगोज हैं। कितने का है ये? 40 रुपए का है। टोटल कितना लाए हो तुम? टोटल है कोई ये 60-70 का होगा। फिर बस बेचे घर, स्कूल के पढ़ाई वढ़ाई के लिए रखते हो? कितना सामान है देखे इनके पास? हाँ सर, इनके पास है करीब 2 किलो। तो ये सारा बिक जाएगा तो घर जाओगे? दिखाओ कितना है टोटल। अरे वायर इतनी छोटी सी गुड़िया है। प्यारी सी। तुम सारे भाई बहन हो? पढ़ाई नहीं करते आप लोग? अच्छा तो समर टाइम में ऐसी वे बिजनेस हाथ तेरी घर पे लगी होती है तो सर जाती है ऐसे रखे थे। बेच लेते हैं इसको। पास में ही है घर? हाँ जी यही है। क्या नाम है इस जगह का? नैनी खट। कितने का सामान है दिखाओ। यही है थोड़े बचे। क्या क्या है आपके पास? ये पक्के आम है, थोड़े कच्चे हैं। ये आम है, पक्के आम दिखाओ। छोटू तुम्हारा क्या नाम है? हाँ शिवानी। और आपका? और आपका? अक्षय। बहन भाई हो? अरे वही कैसे आम है यार? टोटल कितने का सामान होगा सारा मिला के? नाशपाती आम वाम आज हम सोचे तुम्हारी जल्दी छुट्टी करा दे। कैसा लगेगा छोटू? अच्छा लगेगा करी, अच्छा लगेगा। कितने साल के हो तुम? 8 साल के हो। 8 साल से बिजनेसमैन बन गए तुम। ये पैसे कमा के पढ़ाई में इस्तेमाल करते हो आप? क्या करते हो? थोड़ी पढ़ाई में और मेल ले लगी है तो उसके मेल मेल ले लगी है ना। सारा सामान मिला के कितना है? आम नाशपाती ये सारा 150 का होगा। ज्यादा ख्वाहिश नहीं है तुम्हारी? पढ़ाई के साथ साथ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हो ये काम है। वाह यार बहुत अच्छी बात है। ये तो हिमाचली लैंग्वेज में थैंक यू कैसे बोलते हैं? बहुत रस वाले बोलते हैं। थैंक यू बोलते हैं। हैं? थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू को थैंक यू कहते हैं। कितने का सामान हो गया ये? 150। वो कुछ रह गए वहाँ पे आम? ये खराब खराब है। अच्छा इतना सारा हम खा पाएंगे दो लोग मिलके? घर में खाओगे आप? हाँ लोग घर ले जाएंगे, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अंकल टूटे हुए हैं वैसे। पकड़ो तो सही। छोटू ये पकड़ो। अंकल ऐसे नहीं लेने हमने। नहीं नहीं नहीं, ये आप लोग मेहनत कर रहे हो ना। छोटू तुम्हारे अरे होता है। तुमने कितना बोला? 150 रुपए। ये आज 10 गुना होके मिला तुम्हें, ताकि एक दिन छुट्टी करो और पढ़ाई करना आप लोग, ठीक है? क्या कोई बात नहीं, क्या 1500 रुपए तो है। बुक खरीदना, बैग खरीदना अपने लिए, ठीक है? अगली बार से तीनों लोग लेके आना बैग और तीनों भर भर के सामान लाना। अब कहाँ जाओगे? घर जाओगे ना? छुट्टी करो, ठीक है? चलो बाय। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस मेड देयर डे मेड आवर डे एंड होपफुली इट विल मेक योर डे एज वेल। यार बटना चाहिए यार। वैसे मैं उत्तराखंड का हूँ पहाड़ी, बट पहाड़ तो पहाड़ है और हैं हमारे देशवासी। हम लोग दिल्ली से डलहौजी की रूट में जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे देखे मैंने, प्यारे प्यारे कुछ बेच रहे थे, बड़े प्यार से आके उन्होंने पूछा कि ये ले लो हमसे, तो क्यों नहीं। अब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं वहाँ पे।
पहाड़ से आए हुए हैं, देखो बेच के अब बिक गया तो घर जा रहे हैं आराम। ये तो अनाज होती है और ये मैंगोस हैं, ये देखिए येलो ग्रीन मैंगोस, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट मैंगोस हैं, क्यूट बच्चों की तरह। ये देखिए इसमें क्या है, अनाज होती। आपने मैंगो तो खाया, मैंगो बताओ सही कैसा है? बहुत अच्छा है, आम प्यारा है, बहुत मीठा। हाँ ये नाशपाती भी बहुत अच्छा है। अरे खा के बताओ, टेस्ट कर रिव्यू बताओ। बढ़िया है, मीठा है, टेस्ट करते हैं इसका। ये है मैंगो, इसका टेस्ट रिव्यू करते हैं। ओह भाई सब कितना स्वीट है भाई, नहीं जबरदस्त है भाई सब, ये स्वीट एकदम। मजा आ गया मास्टर जी, बहुत अच्छा। मतलब मैं सिर्फ वीडियो के लिए एग्जैजरेट नहीं कर रहा, इट्स एक्चुअली प्रीटी स्वीट। एक जिंदगी मिली है किसी के चेहरे में आपकी वजह से, एक दिन भी खुशी आई, इससे बड़ी बात क्या है। अभी बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं, कुछ अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ कुछ कर लेंगे, और भी चीज़ हम लोग करते रहते हैं ऐसी चीज़ जिससे लाइफ लॉन्ग आगे हेल्प हो। बट कभी कभी ऐसे रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस भी कर देते हैं, प्यार बांटना चाहिए, मज़ा आता है मेरे को ये सब करने में। तो आप भी प्यार बांटते रहें, खुशियाँ फैलाते रहें जहाँ तक फैला सके, और काइंडनेस कंपैशन फैलाते रहें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।